मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह मॉडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपके बही खाता एवं लेखा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत में बने रहिएगा, देखिए सभी जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है वह 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बही खाता एवं लेखा शास्त्र, जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो इंटर में कॉमर्स से पढ़ते हैं उनका एक पेपर होता है लेखा शास्त्र, ठीक है। तो उनके लिए ये जो पेपर है अकाउंटेंसी, तो उससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर समय आप लोग को मिलता है कितना, 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक कितना होता है आपका, 100 नंबर का होता है। निर्देश में पूरी बातें आप लोग जानते ही हैं और यहाँ पर नोट में जो बातें लिखी रहे हैं उसको भी आप ध्यान से पढ़ लिया करें। जब भी पेपर आप लोग को मिलता है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि पेपर में हमेशा आप लोग को मिलता है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। पहले जब भी आप लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज। तो प्रश्न मिलते हैं उसका एक ऑप्शन जो सही होगा उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और यहाँ पर दसवां। तो 10 इसमें क्या होते हैं आपके, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जो भी आप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर उसका टिक लगा कर आप लोग को देना होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो मिलता है आप लोगों को अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज मिलती है, ठीक है। 2 नंबर का होता है, सम्मुख देख रहे हैं कि आप लोग को नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो 2 नंबर के हैं ये। तो यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक जो प्रश्न मिल रहा है आप लोग को क्या मिल रहा है, वो बहुविकल्पी मिल रहा है। यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग को पहले मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। मैं इन सभी प्रश्नों का या इस मॉडल पेपर को मैं हल भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा उसमें अभी समय है। और यहाँ पर याद रखिएगा लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एक एक 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 नंबर आप लोग को यहाँ से मिला, 10 नंबर आप लोग को यहाँ से मिला। एग्जामिनर कभी इन सभी प्रश्नों में नंबर नहीं काटता है। जो प्रश्न, जब भी प्रश्न में नंबर में माइनस होता है वहां पर बड़े क्वेश्चन में आपका नंबर माइनस होता है। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में देखिए क्या है, यहाँ पर 5-5 नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ पर इसे आप अच्छे लिख भी रहे हैं तो आपका 5 की जगह 4 नंबर दे दिया जाता है। तो यहाँ 21वां प्रश्न जैसे हो गया, 22वां प्रश्न हो गया, 23वां प्रश्न हो गया, 24वां प्रश्न हो गया, 25 और 26, तो ये सभी जो प्रश्न हो गए वो लघु उत्तरी हो गए और ये जो होते हैं आपके 5 नंबर इस पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। देखिए स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए, ठीक है। 21, 22, 23, 24 और 25 प्रश्न हो जाएगा। 26 भी प्रश्न देखिए इसी में शामिल है। अब जो लास्ट आप लोग को सीरीज मिलती है वो 10 नंबर की होती है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। उसमें क्या होता है, आप लोग को आर्थिक चिट्ठा या कोई भी कैलकुलेशन बनाने वाला या तो कोई भी लिखने वाला रोजनामचा आप लोग को बनाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन पर आधारित होता है, सवाल पर आधारित होता है। उसमें यहाँ पर जैसे देखिए आप लोग को लिखा गया है, अमर एवं आकार एक फर्म में साझेदार थे और लाभ हानि बराबर के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 1917 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। ये देखिए 10 नंबर का आपका प्रश्न है, दायित्व तो रकम, संपत्ति रकम। तो ये जो आप लोग को मिला हुआ है इसके आधार पर देखिए डाटा तो आप लोग को मिल गया, प्रवेश दिया। तो यहाँ पर इन सभी के आधार पर आप लोग को क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, उसको जैसे आप लोग को मिलेगा तो उस फर्म में दिखाना होता है। आर्थिक चिट्ठा एक तैयार करके हम लोग दिखा देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तो इसके अथवा में देखिए आप लोग को प्रश्न मिल रहा है, गार्नर बनाम मरे, बाद में दिए गए निर्णय की विवेचना कीजिए। क्या गार्नर बनाम मरे का सिद्धांत भारत में लागू होता है? ये डिस्कशन देखिए यहाँ पर ये उत्तर है। यदि आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसको आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलता है, उससे बेहतर है कि जब आप लोग को न्यूमेरिकल वाला पार्ट मिले सवाल वाला, तो आप सवाल वाला पार्ट ही जरूर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 28वां हम लोग का प्रश्न क्या है, मेरठ काठर मिल में देखिए 20,000 अंश से 10 वाला निर्गमन निम्नलिखित शर्तों का पर किया गया, तो इस पर भी देखिए एक प्रश्न आप लोग को मिला। या इसके अथवा में देखिए जो प्रश्न आप लोग को क्या मिल रहा है, ऋण पत्र भुगतान की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। और क्या है प्रश्न, ऋण पत्र भुगतान की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, जो सवाल है, जब सवाल आपको नहीं आ रहा है तो उसके अथवा में जो आप लोग को प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप बेहतर तरीके से सजा कर लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग को सवाल मिले और उसके अथवा में प्रश्न मिले तो आप सवालों को जरूर कर दिया करें इन कंपेरिजन टू प्रश्न के, क्योंकि प्रश्नों पर आपका नंबर कटता है लेकिन जो सवाल होते हैं प्रश्न होते हैं तो उन पर नंबर आपका नहीं कटता है। बढ़ते हैं हम लोग अब 29वें प्रश्न की ओर। देखिए सब में ऐसे ही मिला है आप लोग को पेपर, जितना आप मैंने आपको सीरीज दिखाया है यहाँ पर सब में आपका ऐसे ही है। 29वें भी देखिए आपका प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके अथवा में देखिए आगम शोधन खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसको थोड़ा हम लोग को डिटेल में लिखना है लेकिन आप ज़्यादा इतना डिटेल लिख नहीं पाएंगे। 30वां प्रश्न देखिए यहाँ पर है, इसमें दोनों भागों में क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये आपका पूरा का पूरा इस प्रकार से पेपर तैयार होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स साइड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोग धीरे धीरे जुड़े और आर्ट साइड के भी बच्चों को और साइंस साइड के बच्चों को और रेगुलर इस चैनल से स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।